दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आर्कल्प इंडिया में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर दिया पे एक बार एनालिसिस करने के लिए सीख जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है सर, सिंपल एनालिसिस है। बस आपको मार्केट का जो ट्रेंड है उसको समझना पड़ेगा, मार्केट का जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा और उसको फॉलो करके आप यहाँ पे अच्छा खासा इनकम यहाँ पे कर सकती हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप सभी को मैं यहाँ पे पिछला वीडियो में बताया था, मार्केट जब यहाँ पे था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे था तो यहाँ पे मैंने ये सब लाइन देके यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ पे इस हिसाब से चल सकता है। और देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे मार्केट वैसे ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है सर। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आज जो है यहाँ पे किस प्रकार से मूवमेंट होने वाला है गोल्ड की मार्केट में, ठीक है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग देख रहे हैं जिसमें से कि XAU USD के पेयर पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं आज की डेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पहले से मैं बता दूँ कि इस प्रकार से मार्केट जो है ना ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और मार्केट को अगर आप देखोगे वन डे के यहाँ पे चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नया यहाँ पे जो हायर हाई है वो मार्केट यहाँ पे बना सकता है सर। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे जो हायर लो है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और फिर यहाँ पे हायर लो बना चुका है मार्केट वन डे के यहाँ पे चार्ट पे। और यहाँ से नया यहाँ पे आप सभी को मैं पिछला ही वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ से जो है ना नया यहाँ पे हायर हाई बना सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमको अभी यहाँ पे आने में टाइम लगेगा, तो हमको उतना इंतज़ार नहीं करना है, हमको यहाँ पे डेली प्रॉफिट चाहिए और मार्केट का एनालिसिस और मार्केट का ट्रेंड पता करना है सर। तो आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एनालिसिस करना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे वन आवर के चार्ट पे आपको लेके जाके दिखाता हूँ सर, ठीक है। तो वन आवर के चार्ट पे आपको सिंपल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सर कि मार्केट जो है यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे मार्क किया था, ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया बोल सकते हैं, सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं, ये एक लेवल बोल सकते हैं जहाँ से मार्केट कई बार यहाँ से टच करके मार्केट मोमेंट दिया है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए मार्केट फिर ऊपर गया, और ये जो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन दिया हूँ ना, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उम्मीद है सर यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो यहाँ पे करेंगे। अभी जो यहाँ पे मार्केट का सर यहाँ पे चलने का जो मोमेंट है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है ना, तो मार्केट यहाँ पे लगभग इस लेवल तक यहाँ पे आ सकता है सर, जो 2365 से लेकर 2370 तक यहाँ पे लेवल को टच करके, यानी इस वाले पे टच करके, या फिर से मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को नीचे की ओर यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेंगे सर। और हो सकता है कि इस बार जो नीचे आएगा ना वो पूरे यहाँ पे नीचे जो जितना भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ना, नीचे वाले लाइन को यहाँ पे टच करके सभी का लिक्विडिटी यहाँ पे ले ले सर एक बार फिर से। उम्मीद है कि मार्केट 2330 तक आने की, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए अगर मार्केट का ट्रेंड को आप एक बार पकड़ते हैं ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये है। उसके बाद सर इसको यहाँ पे दो से तीन बार यहाँ पे फॉलो करने के बाद मार्केट सीधे यहाँ पे पूरा स्पीड में इस जो शुक्रवार है, ठीक है, जो लास्ट वीक का डे होता है ना फ्राइडे, उसमें यहाँ पे बहुत ही स्पीड से मार्केट मोमेंट देता है, या तो ऊपर भागेगा या तो नीचे भागेगा। लेकिन अभी जो हमारा चांस हो रहा है सर इस वीक यहाँ पे मार्केट को हायर हाई बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे 2400 मार्केट पार करने की चांस है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अपने को सर वहाँ पे सारी चीज़ एनालिसिस करना है ना, हमें एक वीक में भी देखना है, उसके बाद डे में भी देखना है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है। तो अभी जो मार्केट का मोमेंट है सर यहाँ से लेके यहाँ तक, उम्मीद है कि जहाँ चांस है मार्केट आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। कम से कम तो 2365 तक यहाँ पे मार्केट आ सकता है सर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसा अभी मैं बताया हूँ कि फिर से मार्केट यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी पड़ा हुआ सर, और मार्केट जो है ना उधर ही जाएगा जिधर लिक्विडिटी पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपको लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, एनालिसिस कैसे करना है, सारी चीज़ मैं यहाँ पे सर फ्री में सिखाने वाला हूँ। और आप सभी के लिए मैं गुड न्यूज बता दूँ सर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फॉरेक्स ट्रेडिंग आर्कल्प इंडिया, वहाँ पर मैं आज से रात 9 बजे डेली फ्री में यहाँ पे ट्रेडिंग आप सभी को सिखाने वाला हूँ, 1 घंटे मीटिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी सर वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कीजिए, डेली सिग्नल भी आएगा, मैं वहाँ पे एनालिसिस करके सिग्नल भी देने वाला हूँ, ट्रेड भी देने वाला हूँ, जिससे कि आप वहाँ पे अच्छे खासा सीख के सर यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप इनकम कर सकती हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का एनालिसिस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है सर, ज़्यादा कचड़ा हमको नहीं करना है, यहाँ पे हमको एक सिंपल एनालिसिस करना है और
मार्केट को, ट्रेंड को पकड़ के चलना है सर, ठीक है, ये चीज ये है। बाकी सर यहाँ पे आप सभी को मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चीजें यहाँ पे बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूँ, तो आज से यहाँ पे आप सभी को वीडियो भी आएगा सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्री में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हो, और सर वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ पे फ्री में सीख सके। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।